अल हिदाया टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से 3 सितंबर को उमरा रवाना होने वाले आजमीन उमरा के लिए एक रोजा तरबेती कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था। अल हिदाया टूर्स एंड ट्रैवल्स गुलबर्गा शहर का मशहूर और मारूफ ट्रैवल्स है, जिसके जरिए अब तक हजारों लोग उमरा की सआदत हासिल कर चुके हैं। इस ट्रैवल्स के प्रोपराइटर जनाब मौला अली तमाम सहूलतों के साथ हज उमरा सर्विस देते आ रहे हैं। 3 सितंबर को रवाना होने वाले ग्रुप में कुल 40 अफराद उमरा के लिए रवाना होंगे और इंशाल्लाह 4 सितंबर को ये उमरा की सआदत हासिल करेंगे। इस तरबियती कैंप के जरिए प्रोपराइटर मौला अली और सीनियर सहाफी मुनीब सेड़म ने उमरा जाने से लेकर वापस आने तक के तमाम जरूरी अहकाम सिखाए हैं और साथ ही तरबियती कैंप के जरिए 3 सितंबर को रवाना होने वाले ग्रुप को तमाम डिटेल बताते हुए कहा, अगर आप भी उमरा जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो सितंबर महीने में एक और उमरा पैकेज तैयार है, जिसके जरिए आप उमरा के लिए रवाना हो सकते हैं। और खासकर गवर्नमेंट जॉब करने वालों के लिए 14 अक्टूबर को एक पैकेज तैयार किया गया है और नवंबर महीने में भी 2 पैकेज अवेलेबल हैं। अगर आप भी उमरा जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो इन तमाम पैकेजेस से जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो दे रहा हूँ ये अपने साथ में रखना है, समझे मेरे बात को, कागजात याद, ध्यान से सुनो, ये चीजें जो है ना अपने पास ये रखना है, ये क्या करना है आपको मैं दे देता हूँ, ये शर्ट जैसा है उसके अंदर ही रखना, ये इसका शर्ट दो शर्ट करना है, एक जो है ना हमारे ये बड़े बैग में रखना है, छोटो जी बैग इसके अंदर रखना है, एक शर्ट इसके अंदर रखना है, दूसरा शर्ट जो है अपने घर में रख के जाना है, क्या करना है, और जो मैं दिया हूँ वो शर्ट ये इसमें रखना है, पासपोर्ट हो रही है दोनों। उसके बाद आपको जहां इबादतों के ताले से थोड़ा बताता हूँ, इबादत अब हम जा रहे के लिए, इबादत के लिए जा रहे ना, अल्लाह को राजी करने के लिए जा रहे ना, तो आप ये सुबह वो भी जरा ध्यान देना, नहीं सुना आपको फिक्र होना, वहां पर टाइमिंग है नमाजों के अलग, उसका फोटो ले लो या लिख लो, 12:30 बजे नमाज होती है समझिए, आप 12:30 बजे 11:30 बजे चले आना, आपको नजदीक जगह भी मिलती जाने के लिए, आप जो है ना 1 घंटा पहले चले आना नमाज के लिए, हर नमाज के लिए जाने के बाद एक नमाज में सजा नहीं होना, एक सुन्नत नहीं छोड़ना, कि जाके फर्श पर भाग के खाना है तो बहुत बेहतरीन इंतजाम है वहाँ, मगर उसके साथ इबादतों के लिए भी मौका होना, हमारे को सुन्नत नहीं नफिल सब नमाजें पढ़ना, यहाँ तक कि रात में तहज्जुद पढ़ना, आपको तहज्जुद में उठे ना, आपको तहज्जुद फजर फजर के बाद वापिस आओ, ये देखिए मर्द हजरात जो है जरा कॉल करिए, ये देखो ऐसा करके इधर डाल दिए, ये हो ये बेल्ट रहा, बेल्ट नीचे जो है ना फांस, ये कपड़ा अब ये एयरपोर्ट पे इसको खुला नहीं छोड़ना है, एयरपोर्ट पे आप जिस भी उमरा करने जब हरम में जाते हैं जब खुला होना है, एयरपोर्ट जब हम मक्का में जब दाखिल होते हैं काबे के अंदर जब चले जाते हैं ये खुला रहना है, जब तक ऐसा उड़ सकते हैं कोई बात नहीं, नियत प्लेन में भी कर सकते हैं, नियत करने के बाद सर पर नहीं उड़ सकते हैं।